सर, चाणक्य जी ने अपने एक श्लोक में ऐसा बोला था कि जो जंगल में सीधे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले कटते हैं और टेढ़े पेड़ हमेशा बाद में। तो सर, एक कैसी लाइफ अच्छी होती है, मतलब ऑनेस्टी वाली, सेल्फलेस वाली, जैसे आप हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, या एक सेल्फ माइंडेड अपने बारे में सोचकर? पहले तो सीधे साधे की डेफिनेशन को ठीक करो। आप क्या बेवकूफ को सीधा साधा कह रहे हो? ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। बेवकूफ मतलब क्या कि कोई भी आए और आपके साथ में कुछ भी करके चला जाए, उसको आप सीधा साधा कहोगे या बेवकूफ कहोगे? सीधा साधा मतलब क्या, पहले इस डेफिनेशन को ठीक करो अपने माइंड में। सीधा साधा मतलब क्या कि आप अपने फायदे के लिए कभी किसी का नुकसान नहीं करते हो, उसको सीधा साधा कहेंगे। लेकिन अगर दुनिया जो है वो हमेशा अपने फायदे के बारे में पहले सोचेगी, बाद में आपके फायदे के बारे में सोचेगी, चाहे आपका उसमें नुकसान होता है हो जाए। तो अगर कोई अपने फायदे के लिए आपका नुकसान करता ही चला जा रहा है, आपका काटता ही चला जा रहा है और आप अपना कटवाते ही चले जा रहे हैं, तो आपको सीधा साधा कहेंगे या बेवकूफ कहेंगे? तो लाइफ में हमेशा सीधे साधे बनो, उसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब अपने फायदे के लिए कभी किसी के दूसरे का नुकसान मत करो, उसमें तो कोई बुराई है ही नहीं। वो तो एक सीधा साधा रास्ता है, क्योंकि जो बंदा इस रास्ते पे चलेगा, नंबर वन, उसकी कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होगी। सिंपल है ना? नहीं तो आप अगर अपने फायदे के लिए किसी दूसरे को यूज करोगे तो वो जिंदगी भर के लिए आपका दुश्मन नहीं बन गया है? तो जिसके इतने सारे दुश्मन होंगे वो कहीं ना कहीं वेट नहीं कर रहे होंगे कि वो भी मौका देखते ही आपके ऊपर अटैक करेंगे। अब मैं वो बड़े अटैक की बात नहीं कर रहा कि वो भाला लेकर के आ जाएंगे आपको मारने, मतलब कि वेट करेंगे। अगर आप अपने फायदे के लिए उसका नुकसान करोगे किसी का भी, आपका अपने ऊपर रख करके देखो, अपने फायदे के लिए कोई आपका नुकसान कर देता है उसके ऊपर जिंदगी भर के लिए गुस्सा नहीं आएगा? तो उसके कितने दुश्मन हो जाएंगे? सोचो, एक के साथ ऐसा करेगा, दो के साथ करेगा, तीन के साथ करेगा, उसके बाद उसको पता ही नहीं लगेगा कि मैं कर क्या रहा हूं, उसकी आदत बन जाएगी, तो बंदा करप्ट हो गया अंदर से, तो मरते दम तक डर में ही जिएगा। लॉ एंड ऑर्डर का डर, उसके अलावा लोगों का डर, ऊपर से अंदर से कहीं ना कहीं रिग्रेट। क्योंकि जरूरी नहीं है आप जिस लेवल तक सोच करके किसी का गलत कर रहे हो उसी लेवल तक होता है, कई बार उससे बहुत ज्यादा हो जाता है। आप समझ गए मेरी बात? आप सोच रहे हो कि हाँ, मैं मेरे ये करने से सिर्फ इतना ही होगा, लेकिन बाद में आपको पता लगा सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, उसकी वजह से ये भी हो गया, तो जिंदगी भर के लिए अंदर रिग्रेट्स आ जाएंगी कई तरह की, तो आप जियोगे क्या? ऊपर ऊपर से आपको ये सब करके थोड़ी बहुत सक्सेस मिल भी गई और अंदर से डर में जी रहे हो, अंदर से स्ट्रेस में जी रहे हो, तो ऐसी लाइफ किस काम की? सब बेकार हो गया ना। तो अब पॉइंट ये है यहां पे समझने वाला कि लाइफ में सीधा साधा बनो। सीधा साधा मतलब बिल्कुल सीधा साधा रास्ता पकड़ो, टेढ़े मेढ़े रास्तों के चक्रों में मत पड़ो। लाइफ में सीधा साधा बनो, लेकिन बेवकूफ मत बनो। आप ये कह सकते हो बेवकूफों का सबसे पहले कटता है, क्योंकि जब भी कोई कोटेशन होती है उसको एज इट इज नहीं देखना होता है, समझना होता है उसके पीछे का मीनिंग क्या है। तो मैं आपको मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं। चाणक्य जिन्होंने ये बात कही, क्या वो सीधे साधे नहीं थे? क्या वो अपने फायदे के लिए औरों को नुकसान करते थे? या वो पहले, क्योंकि मेरे को नहीं पता आप में से कितनों ने पढ़ा है उनके बारे में, कितनों ने पढ़ा है, कितनों को पता है उनका बैकग्राउंड, अपने फायदे के लिए वो कभी किसी का नुकसान करने के बारे में सोचते तक नहीं थे। मतलब पहले वो जनहित के बारे में सोचते थे, समाज के बारे में सोचते थे, बाद में जो बचा खुचा होता था बाद में अपने बारे में सोचते थे। चाहते तो महलों में रह सकते थे लेकिन एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। इससे क्या समझ आ रहा है कि वो सेल्फिश तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन बेवकूफ नहीं थे, फॉर श्योर हाईली इंटेलिजेंट, समझदार थे। तो समझदार बनो, समझदारी प्लस सीधे साधे। हाँ, कोई आपके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है तो अब समझदारी किसको कहेंगे, कि अपने आप को बचाओ या वहां पर आराम से खड़े हो जहां मार ले कोई नहीं? समझदारी किसको कहोगे कि अपने आप को बचाओ? अब वहां से भागना है या उससे लड़ना है या सही टाइम का वेट करना है उससे लड़ने के लिए, इसको समझदारी कहते हैं। बेवकूफी किसको कहेंगे? कोई आ रहा है, मान लो शेर आ रहा है आपको सामने से खाने के लिए, कोई नहीं खा ले, मैं तो पैदा इसीलिए हूं, मुझे कहा था कि लाइफ में ना कभी किसी का बुरा नहीं करना है, आई कांट हार्म यू शेर। हाँ, वो कहेगा ठीक है, मेरा तो हो गया, मेरा तो डिनर का इंतजाम हो गया। तो बेवकूफ मत बनो, मतलब जो मैंने अपने एक सेशन में बोला भी था कि इसको जो भी मैंने भी कहा, अगर उसको एक लाइन के अंदर सम अप करना हो तो वो ये है कि पावरफुल बनो लाइफ में, बिकॉज जिंदगी का एक सीधा सा लॉ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आपको दूसरों को दबाना है या दूसरों के साथ में गलत करना है, इसलिए ताकि ये दुनिया आपको दबा ना सके।